अमरावती महानगर आयुक्त प्रशांत रोड़े के निर्देश पर अमरावती नगर निगम और पुलिस विभाग द्वारा बिना किसी कारण के घूमने वाले नागरिकों की रैपिड एंटीजन टेस्ट की जा रही है। कोरोना निरीक्षण वाहनों को चौराहे पर खड़ा कर और नागरिकों को निगम की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से कोरोना निरीक्षण के लिए अपील की जाती है। बिना किसी कारण भटक रहे नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। निगम द्वारा कोरोना निरीक्षण शिविर आयोजित करने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार 16 अप्रैल 2021 को शहर के इतवारा बाजार राजापेट में वाहन खड़ा किया गया और नागरिकों की कोरोना की जाँच की गयी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए अपील की गई थी कि कोविड का परीक्षण किया जाए। विशेष रूप से निगम ने व्यापारियों से कोरोना का निरीक्षण करने की अपील की है। उपायुक्त रवि पवार ने कहा कि निगम की ओर से कोरोना परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। मास्क न पहनने, अधिक दूरी वाले यात्रियों के साथ सामाजिक दूरी और वाहनों का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की गई। निगम के कोविड परीक्षण वाहनों को आज इतवारा बाजार और राजापेट चौक पर नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया। इस स्थान पर नागरिकों के कोविड परीक्षण के लिए कतारें थी। पैदल यात्री, विक्रेताओं, ऑटो रिक्शा चालकों, आपातकालीन सेवा कर्मियों और अन्य चालकों का कोरोना परीक्षण किया गया। उपायुक्त रवि पवार, राजापट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक मनीष ठाकरे, सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखेड़े, डॉक्टर संदीप पाटपे, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुष्कर, वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक विजय पुरे और राजापेट के पुलिस कर्मी उपस्थित थे। सेकंड वेव जी आहे ती सुरुवात झाल्यापासून खूप जास्त प्रमाणामध्ये पेशंट्स आपल्याकडे आढळत होते। त्यानंतर हे आपण जेव्हा लॉकडाऊन केलं त्यानंतर हे प्रमाण कमी झालं होतं, परंतु आता परत शहरामध्ये आणखी पेशंट वाढत आहे। महाराष्ट्र शासनाने जे काही लॉकडाऊन डिक्लेअर केलेलं आहे त्या लॉकडाऊनचं तंतोतंत पालन नागरिकांनी केलं पाहिजे आणि त्या अनुषंगानं जे विनाकारण नागरिक फिरत आहेत शहरामध्ये किंवा चुकीची कारणं दाखवून जे काही शहरामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन केलं जात नाही किंवा मास्क घातले जात नाही आणि अनावश्यक जे लोकं बाहेर फिरत आहेत तर त्या लोकांना रस्त्यावरती आपण अशा चौकाचौकामध्ये आपण व्हॅन ठेवून बऱ्यापैकी त्यांना पकडून आपण त्यांचे अँटीजेन करतो आहोत, टेस्ट करत आहोत आणि त्यात जे पॉझिटिव्ह येतील आपण त्यांना भविष्यामध्ये आपण त्यांना क्वारंटाईन सेंटरमध्येही शिफ्ट करणार आहे। त्यामुळं माझी सर्व अमरावतीकरांना विनंती आहे की विनाकारण आपण कृपया पुढील 15 दिवस हे महाराष्ट्र शासनानं लॉकडाऊन डिक्लेअर केलेलं आहे या लॉकडाऊनचं पालन आपण करावं आणि अत्यंत आवश्यक असेल अशाच परिस्थितीमध्ये आपण बाहेर पडावं। ब्युरो रिपोर्ट, BCN न्यूज।